अखिलेश यादव के सियासी सफर के बारे में चलिए अब आपको बता देते हैं। साल 2000 में पहली बार वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव उपचुनाव लड़े, जीत गए। उसके बाद साल 2004 में फिर दूसरी बार कन्नौज से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर से जीते। साल 2009 में कन्नौज से लगातार तीसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 10 मार्च 2012 समाजवादी पार्टी को बंपर जीत हासिल हुई, यूपी में समाजवादी पार्टी का उन्हें नेता चुना गया। और फिर 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 3 मई 2012 को कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 5 मई 2012 को यूपी विधान परिषद के वो सदस्य बने और फिर जनवरी 2017 में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये हैं उनके करियर की हाइलाइट्स। और अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव पर निशाना सामने आ रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे अखिलेश, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। देखिए, ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने हो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज़ है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव ना लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है, और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का, कि आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ के फिर देखने वाले न रहेंगे।